लास्ट मैंने आपको बोर्ड मास बताया था। बोर्ड मास में क्या था कि आपके अगर किसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा साइन आते हैं, यानी कि प्लस और माइनस आ गया, या डिवाइड मल्टीप्लाई या प्लस माइनस डिवाइड, इस तरीके से यानी एक से ज्यादा साइन आते हैं, तब आप बोर्ड मास का यूज करोगे या फिर डमास का यूज करोगे। और डमास में क्या था कि पहले डिवाइड है तो उसके बाद ही मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप ऐड करोगे और लास्ट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। आज आपको फ्रैक्शन है, पहले आपको समझा दूं फ्रैक्शन हमारे दो तरीके से आएंगे। एक आएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन, दूसरा आएगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इसमें आपका जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी वो होती है हमारी न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती हमारी वो होती है हमारी डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो वो फ्रैक्शन जो है आपका लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसे हम? लाइक फ्रैक्शन। अगर इसी में आपके डिनोमिनेटर अलग अलग होते तब आप उसे क्या बोलते? जैसे अगर मान लिया आपका डिनोमिनेटर है 4/9, 2/9, 4/11, इसमें आपके दो डिनोमिनेटर तो सेम है पर आपका तीसरा अलग है, यानी कि तीनों एक जैसे नहीं है, तब उस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम? अनलाइक फ्रैक्शन, जब हमारे डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन को और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन को सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शन बिल्कुल इजी है, 1/3 प्लस 2/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब आपको डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है, और जो आपके न्यूमिनेटर्स हैं उन्हें सिंपली प्लस कर देना है, यानी कि 1 + 2, तो कितना हुआ आपका डिनोमिनेटर 3 हुआ और न्यूमिनेटर भी आपका 3 हुआ। तो इस तरीके से हम अपने लाइक फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 4/7 प्लस 9/7 प्लस 2/7, तीन बार दिया हुआ है, तब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो सेम, तो डिनोमिनेटर को एज इज रखोगे और ऊपर जो आपके न्यूमिनेटर्स हैं उन्हें सिंपली प्लस करोगे, यानी कि 4 + 9 + 2, 4 और 9, 9 + 10, 11, 12, 13, तो कितना हो गया हमारे 13, और 2 है तो 14, 15, तो कितना हो गया हमारा 15, और डिनोमिनेटर में हमारा 7 आ गया। तो इस तरीके से हम अपने लाइक फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। इसके बाद सीखते हैं हम अनलाइक। इसमें आपको क्या करना है, जो रीजर से ही करना पड़ेगा, ऐसे हो नहीं पा रहा है। ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको बता भी दिया है कि क्या होता है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, तब हमें उनका एलसीएम निकाल के करना होता है। जैसे अनलाइक के कर रहे हैं 2/3 प्लस 1/9, 3 और 9 दोनों अलग अलग है, यानी कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तब हमें जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यू होती है उनका एलसीएम निकालना होता है। जैसे 3 और 9 का एलसीएम हम निकालेंगे इस तरीके से, 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के में, 3 1 = 3, और 3 के टेबल में 9, 3 3 = 9, अब अगेन 3 1 = 3, ये सेम रहेगा, और 3 1 = 3, जब तक हमारे लास्ट में 1 1 नहीं आता है तब तक हम अपने डिवाइड करते रहेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 3 × 3, यानी कि 3 3 = 9, तो अब अपना 9 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसके बाद जो वैल्यू न्यूमिनेटर में होगी उसे एज इट इज रखेंगे, यानी कि 2 था तो हमने 2 का 2 रखा, उसके बाद
एक मल्टीप्लाई का साइन आता है, देन जो आपका फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसे आप जो एलसीएम में आया है उसे डिवाइड कीजिए, यानी कि 3 के टेबल 3 को 9 से डिवाइड, 9 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितने पर आएगा, 3 के टेबल में 9, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, कितने पर आया हमारा 3 पर आया। देन जो हमारा साइन था प्लस था तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, एज इज रखेंगे। अगेन दूसरा डिनोमिनेटर जो है वो भी ऐसे कैसे ही, नेक्स्ट क्या था एक मल्टीप्लाई का साइन, अब देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर में ये कितने पर आता है, यानी कि 9 के टेबल से ये कितने पर आएगा, तो 9 वन जा 9, तो 1, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 थ्री जा 6 प्लस एज इज 1 वन जा 1 और डिनोमिनेटर हमारा 9 ही रहेगा, 6 और 1 कितने हो गए 7, तो 7 बाय 9 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से आपको अनलाइक क्वेश्चन को करना है, मैं एक बार और समझा रही हूँ आपको इसी क्वेश्चन को, सबसे पहले अनलाइक है तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे, 3 और 9 का एलसीएम मैंने निकाला है वो कितना आया 9 आया, तो जो एलसीएम आएगा वो अब हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसके बाद फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो एज इज रहेगा, बीच में इनके मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कितने पर जाएगा 3 पर, तो वो 3 हमारा यहाँ पर आएगा, प्लस सेकंड डिनोमिनेटर एज इट इज बीच में मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर देंगे कितने पर जाएगा 1 पर, तो हम इसे करेंगे इसके बाद, तो आपको सिंपल ही है इनकी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 1 1 जा 1 और देन आपको इंजीन को प्लस करके लिखना है, तो इस तरीके से आप अपने अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन को ऐड करेंगे। चलिए एक और करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 2/6 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर अलग है तो यानी कि अनलाइक है, तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 पर, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम उसे एज इट इज रखेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो एलसीएम हमारा कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया अब 6। मैंने क्या बताया, फर्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई, और फिर हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करके देखेंगे कितने पर होगा, 6 1 जा 6 तो यानी 1 पर हुआ, बीच में जो साइन होगा वो एज इट इज रहेगा, देन सेकंड डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई, फिर आपको सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखना है, तो 3 के टेबल पे 6 कितने पर है 2 पर है, इसके बाद आपको इनकी इजीली मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 जा 2 बीच में प्लस, 2 2 जा 4 देन आपका 6, 2 एंड 4 6, तो 6/6। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने लाइक और अनलाइक दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखोगे, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया और आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।